आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की खिताबी जंग के लिए रोहित शर्मा की अग्नि परीक्षा और इनके अलावा भी कई कप्तानों की ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के पास अपनी कप्तानी में भारत को संभवतः आखिरी बार विश्व चैंपियन बनाने का मौका है और ऐसे में रोहित को ना सिर्फ अपने बल्ले से दम दिखाना होगा बल्कि टीम को टी20 में 17 साल बाद चैंपियन बनाना होगा। वहीं दोस्तों, इसके अलावा बात करें कप्तान बाबर आजम की बात करें दोस्तों, तो दूसरी बार टीम के कप्तान बने हैं। वहीं 2023 वनडे विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान और भावी कप्तान जोस बटलर की, तो जोस बटलर मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के पास टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने का शानदार मौका है। इनके अलावा भी और कई कप्तान, चाहे वो विलियमसन हो, चाहे वो हसरंगा हो, चाहे वो मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, सारे के सारे कप्तान दोस्तों इस बार ताल ठोकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या भारतीय टीम इस बार टी20 विश्व कप जीत पाएगी? क्या रोहित शर्मा इस बार 17 साल का जो सपना है भारतीय टीम का, शायद 2007 के बाद अभी तक भारतीय टीम का ये सपना सपने में ही तब्दील बन के रहा है, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में भारतीय टीम को आखिरी बार फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया था, उसके बाद अब शायद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के पास ऐसा मौका होगा जो 17 साल के बाद भारतीय टीम को टी20 विश्व कप का खिताब दिला सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप की शुरुआत 2 जून से होने वाली है। इस टूर्नामेंट में भले ही 20 टीमें शिरकत कर रही हो, लेकिन खिताब जीतने का दावेदार सिर्फ 8 टीमें हैं। ऐसे में कौन जीतेगा इस विश्व कप को, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।